सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा परमधाम से आकर हम बच्चों को मीठे मीठे रत्नों से सजा रहे हैं। परम पवित्र शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। साथे बाप पूछ रहे हैं, तुम बच्चों को किसके संग से बहुत संभाल करनी है? बाबा कहते हैं, जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में रहने वाले वायुमंडल को शुद्ध रहते हैं, और याद में नहीं रहते हैं तो वायुमंडल को खराब करते हैं। तो बाबा दूसरी बात पूछ रहे हैं, मनुष्य को पश्चाताप कब होगा? बाबा कहते, जब उन्हें पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा और पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी। तो बाबा कहते हैं, अब रूहानी यात्रा को तो बच्चे अच्छी तरह समझते हैं, कोई भी हटियों की यात्रा होती नहीं, यह है याद। याद के लिए कोई भी तकलीफ की बात नहीं है, बाप को याद करना इसमें कोई तकलीफ नहीं है। यह क्लास है इसलिए सिर्फ कायदे से बैठना होता है। तुम बाप के बच्चे बने हो, बच्चों की पालना हो रही है। कौन सी पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाकी बैठो भले कैसे भी, उनसे कोई याद का तैलुक नहीं। बहुत बच्चे हट्टियों से 3-4 घंटे बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। आगे तुम्हारी तो थी भट्टी, यह बात और थी, वहां तुमको धंधे धरी तो था ही नहीं, इसलिए यह सिखाया जाता था। अब बाप कहते हैं, तुम घर गृहस्थ में रहकर, व्यवहार में रहकर पढ़ाई करो, धंधेदारी भले करो, कुछ भी काम काज करते बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं कि अभी निरंतर तुम याद कर सकते हो, नहीं, इस अवस्था में टाइम लगता है। अभी निरंतर याद ठहर जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप समझाते हैं, बच्चे ड्रामा के प्लान अनुसार अब बाकी थोड़ा समय है, सारा हिसाब भी बुद्धि में रहता है। कहते हैं, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था, उनको स्वर्ग कहा जाता था, अभी उन्होंने 2000 वर्ष पूरे होते हैं, 5000 वर्ष का हिसाब हो जाता है। देखा जाता है तुम्हारा नाम सारा बिलाद से ही निकलेगा, क्योंकि उनकी बुद्धि फिर भी भारतवासियों से तिक है, भारत से फीस भी वो मांगते हैं। भारतवासियों ने ही लाख वर्ष कहकर और सर्वव्यापी का ज्ञान देकर बुद्धि बिगाड़ दी है, मतलब तम प्रधान बन गए हैं। तो भगत, तुम बच्चे जानते हो बरोबर, बाप हमको पढ़ाकर यह बनाते हैं। बराबर पैराडाइज हेवन था, मनुष्य तो बिचारे बिल्कुल ही मुझे हुए हैं। बेहद के बाप पास जो ज्ञान है वो तुम बच्चों को दे रहे हैं, बाप की तुम महिमा करते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर ब्लिसफुल भी है, खजाने भी उनके पास फुल है। तुम इतना साहूकार बनते हो और बनाता कौन है? यहां तुम क्यों आए हो? वर्षा पाने। अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है परंतु धन नहीं है
तो धन बिगर क्या होगा। वैकुंठ में तो तुम्हारे पास धन रहता है। यहां जो जो साहूकार हैं उनको नशा रहता है, हमारे पास इतना धन है, ये कारखाने आदि है, शरीर छोड़ा खलास। तुम तो जानते हो हमको बाबा 21 जन्म के लिए इतना खजाना दे देते हैं। बाप खुद तो खजाने का मालिक नहीं बनते हैं, तुम बच्चों को मालिक बनाते हैं, यह भी तुम जानते हो। विश्व में शांति तो सिवाय गॉडफादर के कोई स्थापना कर ना सके। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है यह त्रिमूर्ति गोले का। 5000 वर्ष का हिसाब तुम क्लियर समझाते हो, तो ये इतना बड़ा होना चाहिए जो दूर से देख सकें और अक्षर भी पढ़ सकें, जिससे समझें कि दुनिया की अंतो बराबर है। बम्स तो तैयार होते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी। तुम विनाश का नाम सुनते हो तो अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए, परंतु ज्ञान ही नहीं होगा तो खुश भी हो ना सके। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ छोड़ अपने को आत्मा समझो। अपनी आत्मा का योग मुझ बाप के साथ लगाओ, यह है मेहनत की बात। पावन बनकर ही पावन दुनिया में आना है। भगते तुम विनाश का नाम जब सुनते हो तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो हम ही बादशाही लेते हैं फिर गंवाते हैं, यह तो बहुत सहज है। उठते बैठते चलते अंदर में टपकना चाहिए। जैसे बाबा के पास ज्ञान है ना, बाप आए हैं पढ़ाकर देवता बनाने, तो इतनी अथाह खुशी बच्चों को रहना चाहिए। अपने से पूछो इतनी अथाह खुशी है। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम बच्चे जितना सर्विस कर प्रजा बनाते हो तो जिनका कल्याण होता है उन्हों की फिर आशीर्वाद भी मिल जाती है। गरीबों की सर्विस करते हो, निमंत्रण देते हो, ट्रेन में भी बहुत सर्विस कर सकते हो। इतने छोटे वेज में ही कितनी सारी नॉलेज भरी हुई है, सारी पढ़ाई का तंत्र इसमें है। वेजेस तो बहुत अच्छे अच्छे ढेर बनाने चाहिए जो किसी को सौगात भी दे सके। कोई को भी समझाना तो बहुत सहज है, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है, तो बाप और बाप का वर्षा स्वर्ग के बादशाही कृष्णपुरी को याद करो। मनुष्य की मत तो कितनी मूंझी हुई है। तब कहते आत्मा की ताकत सारी निकल गई है। कितना समझाते हैं फिर भी पुरुषार्थ करना और कराना है। पुरुषार्थ में थकना नहीं है, हार्ट फेल भी नहीं होना है। इतनी मेहनत की भाषण से एक भी नहीं निकला, लेकिन तुमने जो सुनाया उसे जिसने भी सुना उस पर छाप तो लग गई। पिछाड़ी में सब जानेंगे जरूर, तुम बेके की अथाह महिमा निकलने वाली है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए सारी पति दुनिया को खलास कर देता हूं, उनका संग भी ना हो, परंतु इतनी भी बुद्धि नहीं कि किसी के साथ संग करना चाहिए। तुम्हारे प्यार पावन का पावन के साथ होना चाहिए। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, यहां की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगानी है, देखते हुए भी नहीं देखना है। आंखें खोली होते भी जैसे नींद का नशा रहता, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ हो। सारा मदार पवित्रता पर है, इसलिए संभाल करनी है कि पतित के अंग से अंग ना लगे। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भाव।
मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते, पीट करके आ जाओ तो परछाई पीछे पीछे आएगी। ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली है, उसे छोड़ दो तो वो पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। तो आज बाबा स्लोगन दे रहे हैं हम बच्चों को, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं इच्छा मात्रम अविद्या आत्मा। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा को, परम सितारा को अपने मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में अनुभव करना है। दिव्य शक्तियां अपने अंदर भरते रहना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।